अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल परी ब्लॉग्स। आज मैं शरीफ में ही हूँ और गरीब नवाज और मौला अली का विलादत के जश्न मना रहे हैं हम, और ब्लॉग्स भी डाल रही हूँ। मैं यहाँ देख रही थी मेरे हस्बैंड निकले के नहीं निकले रूम में से, मैं रूम के बाहर खड़े रही हूँ, बस लिफ्ट अभी ऊपर गई है। तो मैंने बोली सोची जब तक आपसे कनेक्टेड हो जाऊं, क्योंकि अभी बाहर जा रहे हैं हम लोग, आज जा रहे हैं हम लोग तारागढ़। 14 रजब हो चुकी है तो हम बोले कि आज फिर तारागढ़ जाएंगे, तो वही निकले तक भी इतना टाइम हो गया है। फिर मैंने जोहर की नमाज इधर ही पढ़ ली है। चलो ना, ओ मिस्टर चलो ना, कितना टाइम हो गया, लॉक करो रूम को। आप मेरे से कनेक्टेड रहिए और मेरे ब्लॉग अजमेर के देखा करिए, बहुत अच्छी अच्छी कवालियाँ हैं, नात है और गुफ्तगू है और अजमेर शरीफ की रौनकें हैं। तो अभी आप मेरा ये ब्लॉग भी पूरा फुल वॉच करिए ताड़ागढ़ का। अगले साल, पिछले साल जब हम आए थे तो नहीं गए थे, तो ये साल इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम था तो वो अब कामयाब हो रहा है। चलिए लिफ्ट को मैंने एक ही बटन दबाई। चलो फिर। ये अजमेर शरीफ का डिगी बाजार है, डिगी बाजार का चौक है। यहाँ से ताड़ागढ़ पुष्कर जाने के लिए आपको ऑटो मिलेगी, सीट पे भी मिल सकती है, आप बुक करेंगे वो हिसाब से, जैसे आपकी सहूलत के हिसाब से जो आप करना चाहते हैं। तो वही हम लोग देख रहे हैं, हम तो दो जन हैं तो हम बुक नहीं करेंगे, सीट पे ही जाने का सोच रहे हैं अभी, देखते हैं, क्योंकि चीप पड़ेगा सीट पे। 50 रुपीज़ पर पर्सन है, यहाँ पे पर पीस बोलने जाते हैं, पर पर्सन 50 है। ताड़ागढ़ खड़े हैं, चलो ना, कहाँ जाना, हम लोग ऐसी ये वैन है उसमें जा रहे हैं, क्योंकि ऑटो में जाना जरा बहुत पहाड़ी इलाका है, ऐसे घूमते घूमते पहाड़ पे है तो जरा डर लगता है, तो इसके लिए ये वैन में जा रहे हैं। ताड़ागढ़ के लिए निकल रहे हैं, मतलब निकल तो कब से गए हैं घर से, रूम से, अभी हम गाड़ी में से निकल, मतलब गाड़ी अभी चालू हो रही है। बोलो आप भी बहुत जलाली है ताड़ागढ़ में, जो भी शहीदों की मजार है, शहीदों की मजार है, बहुत ही जलाली। तो आपको पूरी डिटेल से हम बताएंगे। ये देखिए, ये अजमेर सिटी है जो हम लोग अभी जा रहे हैं ताड़ागढ़ के लिए। अजमेर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह से 12 किलोमीटर है, तो ये जो है पूरा अजमेर सिटी है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये ताड़ागढ़ जाने का रास्ता भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है रास्ता ऊपर जाने का। अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे,
जाने का रास्ता यही है। अजमेर सिटी ऊपर से दिख रहा है। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग, अभी जाते हैं अंदर। चलिए फिर, अभी उतर रहे हैं फिर जाएंगे अंदर। पहुंच गए हम लोग तारागढ़, अभी जा रहे हैं। ये देखिए, लेकिन रास्ता बहुत डेंजर था, बहुत ऊपर नीचे, गाड़ी बहुत हिल रही थी। ले लो तो मुजावर देगा, ये ले ले। चल Ah, dormir isso aí, ó. Não, Sacha, Sacha, quer de bunda, Sacha.
चलो वो देखिए शाहिब तारागढ़ की हिस्ट्री मतलब क्या, हकीकत क्या है, और जो शहीद हुए थे उनका नाम और क्यों शहीद हुए थे, ये सब अभी आपको मैं जो यहाँ के खादिम है, जो मतलब यहाँ के रहस्य है, वो आपको बताएंगे। मुझे मालूम है लेकिन सरसरी तौर पे मालूम है, तो अच्छे से आपको पूरा डिटेल मैं बताती हूँ, मतलब उनसे मुलाकात कराती हूँ और वो बताएंगे आपको अच्छे से डिटेल। जिनको औलाद नहीं होती उनके लिए ये फल है, यही फल है। क्या है इसके? ये फल ये इंद्रे ने खाए, यही इसी झाड़ का फल आता है। ये नहीं, ये जो फल, ये जो झाड़ है औलाद जिसको नहीं होती इसमें फल लगता है। और यहाँ पे एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक हिजड़े ने ये फल खाया था तो उसे औलाद हुई थी, है ना? कितने के ये? में दूध पाए नहीं, जितना देना खुशी से, इसका कीमत ही नहीं। एक दूध पीला माँ की गोद में लेगी, डॉक्टर माँ में हजार खुशी से एक लीटर सवा लीटर दो लीटर दूध पाए नहीं। ये देखिए सब ये मजारे है, देखिए शहीदों की। अस्सलाम ले ले निकाब तो ले ले अबे ले ले मैं पहले ज़ियारत कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। का नाम है हजरत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह। आप सरकार दूल्हा शहीद हुए हैं इमाम हुसैन अलैहि सलाम के औलाद में से। आप रहने वाले हैं मशहद मुकद्दस ईरान के। आपकी शादी हो रही थी मदीना मुनव्वरा में, उस वक्त आपको रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशारत हुई कि दुनिया की शादी छोड़ो, दीन की शादी करो। दुनिया के लिए शादी करोगे यहीं तक रह जाएगी, दीन के लिए शादी करोगे कयामत तक बुला बुला रहोगे। सरकार ने हुजूर पाक के हुक्म की तामील की शादी को छोड़ा, यहाँ आए, इंसानियत का प्रचार किया और आप शहीद हुए। आपका जो उर्स मुबारक है वो इस महीने में होता है, रजब के महीने। तुम लोग रजब 15 रजब से 18 रजब आपका उर्स होता है। 16 रजब को सुबह 4 बजे सरकार के मजार को घुसले देते हैं, यहाँ सरकार के दरबार में चारों तरफ धागा बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, यहाँ मेहंदी लगाते हैं, सरकार के दरबार को दूल्हे की तरह सजाते हैं। 3 दिन आपका उर्स चलता है, 18 रजब को नमाज जहर पर जब आपकी शहादत का वक्त आता है, रोजे को जलाल आता है, जलाल से जो रोजे का जाली है सरकार का, ये खुद ब खुद हिलता है। जाली के हिलने से जो यहाँ धागा बंधा होता है वो खुद ब खुद टूट के नीचे गिरता है। यहाँ से लोग लेके जाते हैं, ताबीज बना के गले में डालते हैं, गले में डालने से ज्यादा करना आसान नहीं होता। सरकार शहीद हैं, जिंदा हैं, आले नबी हैं, औलाद अली हैं। इनके दरबार की मेहंदी जिन लोगों की शादी नहीं होती है उनके लिए काम में आती है, इनके दरबार से एक फल देते हैं, जिनके औलाद नहीं होती है उनके काम में आती है। और एक सरकार की बारगाह से संदल शरीफ देते हैं जो बीमार होते हैं उनके लिए सरकार। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम हजार से गुजारिश है कि यहाँ आए सरकार की बारगाह में,
यहाँ के जो तबरुकात हैं उनसे फैजियाब हो, सरकार की बात। क्या करूँ जो कि दरबार से लगा के आपको दिया जाएगा, आपके घर भेजा दिया जाएगा। विराज साहब कामयाबी और औलाद के साथ बनाए इंशाल्लाह। ये देखिए सब शहीदों की लगा रहे, इसके लिए कदम देख देख के रखना चाहिए, एकदम कदम देख देख के रखना है, क्योंकि नीचे भी मजार है। देखिए ये देख रहा सुनो, ओ इधर मुंडी करो, आप लोग भी ज़ियारत करिए, शहीदों की है, शहीद दफन है यहाँ पे, पर्दा किए हुए है, शहीदों के यहाँ दुआ जल्दी कबूल होती है। ये सब शहीदों की बाजार है। ये मेरा पैर लग गया, कभी इसमें है कैसा नाक घिसने का, कितने बार, एक ये भी देखिए सब मजा रहे शहीदों की है, इसलिए यहाँ पे कदम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है। नीचे पूरे शहीदों की मजारे हैं। मगरिब का टाइम शुरू हो रहा है, ये देखिए सब लाइटिंग चालू हुई, यहाँ का भी उरूस चालू होने वाला है। अभी हम निकल रहे हैं, लोबान ले लिए, नासर की नमाज मैंने पढ़ ली, लोबान ले ली हूँ सब। ऐसे देखिए सब शहीदों की बाजार, ये ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ तारागढ़ के ब्लॉग को। आपको मेरा ये तारागढ़ का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और फुल वॉच करना मेरा ये ब्लॉग। दुआओं में खास याद रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और प्लीज सब्सक्राइब किया करिए और शेयर कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। चलिए हस्बैंड देखिए यहाँ खड़े,
चलो चलो चलो, बोल के पीछे पड़े गए। चलिए फिर, यहाँ पे भी ऐसा ये बनाया गया है, रोजा है। किसका है इनको पूछते, अस्सलाम वालेकुम। देखो पहाड़ के ऊपर।